हाय गाइस वेलकम टू स्टडी काउस तो और जैसे कि आप सब लोगों को पता है अभी रिसेंटली राज्यसभा की जो 24 सीट्स हैं उन सब का इलेक्शन अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है जिनमें से 18 वो सीट्स थी जिनका इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड 19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ था कंट्री में इस वजह से इन सारी सीट्स का अभी रिसेंटली इलेक्शन कराया गया है तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसीजर जो है कि कैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन सबको इलेक्ट किया जाता है उसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच ओके सो लेट्स स्टार्ट सो जो राज्यसभा है जिसको कि परमानेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कभी डिजोल्व नहीं होता है राज्यसभा के जो वन थर्ड मेंबर्स होते हैं उनको हर दो साल के पीरियड में रिटायर किया जाता है और इसका जो टोटल सिक्स ईयर्स का जो टेन्यूर होता है राज्यसभा के किसी भी एक मेंबर्स का तो उसमें बेसिकली वन थर्ड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के उनको हर दो साल में रिटायर किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके इलेक्शंस होते हैं उन वैकेंसीज़ पे और जो राज्यसभा के ये इलेक्शंस होते हैं बेसिकली जो लोकसभा है उसके इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शंस में जो राज्यसभा के मेम्बर्स होते हैं उनको जो जनता है नॉर्मली डायरेक्टली नहीं चुनती है बट लोकसभा में वैसा होता है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इनडायरेक्टली चूज़ किया जाता है इनडायरेक्टली ऐसे की जो विधायक जो होते हैं एम जो होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा और जो एम होते हैं वो इन एम को जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट करते हैं तो इस वजह से जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा के जो ये मेंबर्स होते हैं इनकी जो संख्या होती है जैसे किस स्टेट के द्वारा कितने राज्यसभा के मेंबर्स होंगे कितने अपॉइंट किए जाएंगे कितनों का इलेक्शन होगा वो जो है बेसिकली उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो पे डिपेंड करती है इस बेसिस पे ही किस स्टेट को राज्यसभा की कितनी सीट्स होती हैं अलाउ की जाती हैं नॉर्मली और जो राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शन की पोलिंग जो है वो तभी होती है जब जितनी वैकेंसीज़ राज्यसभा की होती हैं उनसे ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं या फिर प्रपोजर जो होते हैं अगर वो ज़्यादा होते हैं वैकेंसी से तो उसी सिचुएशन में राज्यसभा के जो इलेक्शन की पोलिंग है वो की जाती है और मान लो जैसे कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा कैंडिडेट्स अगर प्रपोज किए जाते हैं तो वो उस असेंबली के स्टेट की जो असेंबली है उसके कम से कम दस मेंबर्स होने चाहिए या फिर अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसका कम से कम दस परसेंट होना चाहिए जो भी इन दोनों में से कम होगा उसको वहाँ पर फॉलो किया जाएगा और जो इंडिपेंडेंट होते हैं जिनको कि निर्दलीय भी बोलते हैं कम से कम दस होने चाहिए दस प्रपोजल्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट लोगों के और जो ये दस हैं ये सब के सब असेंबली के मेंबर होने चाहिए यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करती है ना कि विधान परिषद जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है सो मेन क्वेश्चन अब आता है कि जो राज्यसभा में इलेक्शन प्रोसेस जो बेसिकली होता है उसका वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है राज्यसभा का जो ये इलेक्शन प्रोसेस है ये बेसिकली एक सिंगल ट्रांसफर्मर वोट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी इलेक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट करने वाले होते हैं जो वोट देते हैं वो कितने भी कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जैसे मान लो कोई भी एम है वो बेसिकली करता है क्या है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करता है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से तो वो अपने अकॉर्डिंग जिस जैसे जिसको ज़्यादा पसंद करता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखेगा फिर किसी दूसरे को सेकेंड पे फिर तीसरे को तीसरे पे और चौथे को चौथे पे इस टाइप से वो प्रेफरेंस प्रिपेयर करते हैं और इसके लिए ये एक बार प्रेफरेंस प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद में डिसाइड कैसे किया जाता है कि जैसे कोई भी मेंबर्स कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है तो इसके लिए बेसिकली एक फार्मूला होता है जिसको हेयर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है इसमें बेसिकली होता ये है कि जैसे मान लो जिन जितनी भी सीटों के लिए इलेक्शंस हुए हैं जितनी भी राज्यसभा की सीटों के लिए इलेक्शंस हुए हैं उसमें प्लस वन कर दिया जाता है और फिर जो नया नंबर आता है उसको राज्यसभा की जो विधायक हैं जितने भी एम हैं उन सब के नंबर से डिवाइड किया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है उसमें प्लस वन किया जाता है तो जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है रिक्वायर्ड जो वोट्स हैं उतने सारे वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं जैसे मान लो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं राजस्थान के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राजस्थान में जो राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है जैसे ओके okay? तो उसमें एक जोड़ देंगे हम पहले तो चार हो जाएंगे जो ये चार बन के आए और राज्यसभा की जो टोटल विधानसभा की सीट्स हैं वो टू हंड्रेड है तो इसमें बेसिकली हम टू हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो 200 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 अब 50 में हमें प्लस वन करना है तो जो ये 51 जो है ये है नया नंबर तो राज्यसभा राजस्थान में जो राज्यसभा के चुनाव जीतने के लिए जो मतलब मिनिमम जो वोट चाहिए वो चाहिए 51 वन so, सो जो ये 51 वोट्स हैं यहाँ पे इनका मतलब बेसिकली यहाँ पे ये यह हो गया कि जैसे मान लो एम के द्वारा जो भी लिस्ट ऑफ़ प्रेफरेंस बनाई गई थी उन सब में कम से कम 51 लिस्ट में उनकी प्रेफरेंस जो है वो फ़र्स्ट नंबर पे होनी चाहिए तभी जाके वो उस पोस्ट के लिए उनकी वो पोस्ट बेसिकली हो जाएगी उनका कैंडिडेट्स की और अगर मान लो इस टाइप की सिचुएसन यहाँ पर आती है कि कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है फ़र्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फिफ्टी सीट्स के लिए तो 51 वन वोट्स के लिए बेसिकली अगर मान लो कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस जो स्टेट है उसको देखा जाएगा उस बेसिस पे फिर इन मेंबर्स का जो वोट्स उनको कंसिडर करके फिर उनको बताया जाएगा कि वो उसको जीते हैं या फिर नहीं जीत पाए हैं तो इस टाइप से बेसिकली इसके इलेक्शन होते हैं जिसमें कि फिफ्टी जो वोट्स हैं ये इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करके देखा जाता है इसको वैल्यू बोला जाता है बेसिकली जो 1500 जो आएगी यहाँ पे 1500 वैल्यू होनी चाहिए उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उसकी बेसिकली वैल्यू होती है जो 100 वैल्यू होती है तो मतलब टोटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1500 की वैल्यू होनी चाहिए तभी जाके उस मेम्बर को राज्यसभा का मेंबर घोषित किया जाएगा तभी वो इलेक्शन वहाँ पे जीत पाएगा अगर उससे कम होती है तो उस सिचुएशन में जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको कंसीडर किया जाता है अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको ही पार नहीं कर पा रहा है तब ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जो राज्यसभा है राज्यसभा का जो इलेक्शंस होते हैं ये बेसिकली किस टाइप के सिस्टम के थ्रू होते हैं ये बेसिकली होते हैं ओपन बैलेट सिस्टम के थ्रू जिसका मतलब ये होता है कि जो भी एम के द्वारा जो लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो बनाई गई थी उसको उनको दिखाना होता है किसको दिखाना होता है वो दिखाना होता है विप को जिसको कि जो उनकी पार्टी का जो ऑथराइज जो मेंबर्स होता है या फिर ऑथराइज एजेंट जिसको बोलते हैं जिसको बेसिकली विप बोला जाता है वो उसको दिखाते हैं उस लिस्ट को और उसके बाद में उस लिस्ट को बॉक्स जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें डाला जाता है इस टाइप की जो ये सिस्टम है इसको ओपन बैलेट सिस्टम बोलते हैं और ये ऐसा होता क्यों है जिससे कि जो करपशन्स वगैरह हो सकता है वो उस टाइप की सिचुएशंस ना क्रिएट हो और जो लोग हैं जो एम जो हैं वो पार्टी की कंडीशंस को फॉलो करें जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको प्रेफरेंस दें इस वजह से इस सिचुएशंस को अलाउ किया जाता है और अगर वो बैलेट को दिखाते नहीं है ठीक है जो उनका जो प्रेफरेंस जो लिस्ट होती है अगर वो उस ऑथराइज एजेंट या फिर जो भी होता है अगर उसको दिखाते नहीं हैं तो उस वोट को काउंट ही नहीं किया जाता है और जो अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें जो निर्दलीय कैंडिडेट्स जो होते हैं वो किसी को नहीं दिखाते हैं यहाँ पे उनके लिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि उनके लिए अलग से एक विप वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए उनको दिखाना होता है वो बिना किसी को दिखाए डायरेक्ट बैलेट बॉक्स बैले, बैले जो होता है उसमें डाल देते हैं और यहाँ पे अगर नोटा की हम बात करें नोटा मतलब नन ऑफ द अबो इस टाइप का जो ऑप्शन जो है वो होता है या नहीं तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा दो सर्कुलर इशू किए गए थे एक किया गया था 24 जनवरी 2014 में और दूसरा किया गया था 12 नवंबर 2015 में उन दोनों में ये बोला गया था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो नोटा को प्रेस कर सकते हैं नोटा का बटन जो है उसको द, लगा सकते हैं अगर मान लो कोई भी एम के पास में कोई भी प्रेफरेंस नहीं है तो वो नोटा वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं बट इसको 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया इसको हटा दिया गया कि जो नन ऑफ द अबो का जो ऑप्शन है वो बस जनरल इलेक्शन के प्रोसेस में ही लागू होता है इस प्रोसेस में राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस है जो कि बेसिकली एक इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है इसमें वो लागू नहीं होता है और अगर मान लो कहीं पे क्रॉस वोटिंग होती है जैसे कि मान लो कोई भी एम जो है वो अपनी पार्टी के अकॉ अकॉर्डिंग प्रेफरेंस नहीं देता है उसकी जो लिस्ट होती है लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो उसके द्वारा बनाई जाती है उसमें तो उस पर क्या डिसीजन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर मान लो कोई भी एम अगर डिक्लाइन करता है उसके ओपन बैलेट सिस्टम जो होता है उसके थ्रू कि वो पार्टी का जो कैंडिडेट है उस उसको वोट नहीं दे रहा है तो इस वजह से उन सब एम को एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अंडर डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा बट क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि जो एम हैं उनके पास फ्रीडम टू वोट है इस वजह से वो अपने चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं बट जो पार्टीज जो होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं क्योंकि वो पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं इस कंडीशन पे। सो so बेसिकली यही प्रोसेस होता है राज्यसभा का जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है उस सब का सो so आज के लिए बस इतना ही होप यू गाइज फाइंड इट यूज़फुल एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे